कहाँ तक जा रहे हैं? जिस्पा तक जा रहे हैं। जिस्पा तक जा रहे हैं। क्या नाम है सर? लोकेश। जिस्पा तक जा रहे हैं। जिस्पा तक। सर एक बात है, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अभी ये यहाँ पर 8 बंदे हैं, ठीक है, इनको हमने बोला सुबह की दारचा तक, ठीक है, और ये गया आगे कहाँ तक, ठीक है, और वहाँ पर गाड़ी खराब हो गई। ये शिंकुला जाके आए हैं। शिंकुला जाकर आए। अभी जस्ट रास्ते में ज़्यादा है जिस्पा के, और बीच में हमको ये चीज़ मिली, कैसे कितने ज़्यादा पूरे पूरे नोकीले हैं। पहुंच चुके हैं जिस्पा, और ठंड इतनी ज़्यादा सूखी ठंड है ना, 8 डिग्री बाहर है, और एक ये हमको गेस्ट हाउस सा मिला। अब देखते हैं अंदर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवेलेबल है कि नहीं। गड्डी में वापस आ गए हैं, आप जा रहे हैं टुवर्ड्स जिस्पा, और यहाँ थोड़ी सी ना शूटिंग भी चल रही है राइट हैंड साइड पे। और यार ये वाला एरिया तो मेरे को ऐसा लगता है ना, देखो कुछ अलग सा ही फील आता है, लग ही ना मनाली है। बड़ा कैसा रोड बनाया हुआ है इन्होंने। बाकी अब थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे, थोड़ी सी भूख लग रही है, पेट सेट हो गया। सर आपको लग रही है? सर आपका जिप लाइन कैसा रहा? ओ भाई एक नंबर। कितने सारे शब्द ने ना हमारे साथ रह के फर्स्ट एक्सपीरियंस कर लिए, पहले अपना पेंट बॉल, फिर जिप लाइन, अब सीधा जिस्पा में स्टे करेंगे। बताओ और क्या चाहिए। रोका हुआ है, शायद मेरे को लग रहा है आगे ना कुछ माउंटेन कटिंग कुछ चल रहा होगा। और मेरे पीछे देख रहे हो कितना बड़ा ह्यूज सा माउंटेन है, पूरा रॉक का माउंटेन है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हैं सीनिक ब्यूटी विद स्नो कैप माउंटेन्स। 3-4 बाइकों वालों को भी रोक रहे हैं, सबको ही रोक रहे हैं। आगे ना कुछ वो देखो जहाँ पे ट्रैवलर्स नहीं खड़े वहाँ पे कुछ है, या तो मेरे को लग रहा है शूटिंग चल रही है, बिकॉज ये उन क्रू है। हाँ या तो शूटिंग चल रही है। अच्छा हाँ देखो, ये देखो यहाँ शूटिंग चल रही है ना, तो शूटिंग का ही शूट ले रहे होंगे, तो उसके लिए शूटिंग चल रही है भाई। हाँ? शूटिंग। अच्छा मैंने बोला था तो तभी। ये नाना पार्टी करके तो नहीं है? नहीं, ऐड शूट यहाँ पे आके भाई ऐड शूट चल रही है। इतना बड़ा क्रू देखना, कितना बड़ा क्रू है। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम लग रही है एज़ कम्पेयर सिसु वाटरफॉल से, वहाँ तो हाथ ही जम गए थे भाई जी। अभी जैकेट पहनी नहीं है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोजी फील हो रहा है, गाड़ी में फील नहीं होता। बाहर अभी 5 डिग्री सेल्सियस है, और गाड़ी में तकरीबन होगा 10 तक तो होगा। तो ड्राइवर भी चेंज हो चुके हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। वो एक्चुअली क्या है ना, शूटिंग चल रही सर, रोक दिया। जल्दी क्लियर कराओ सर। यस सर सर, बिल्कुल 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 सर, इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। गाइस वी हैव रीच्ड टांडी, और ये वाले रूट का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद जो आपको पेट्रोल पंप का एक्सेस मिलेगा वो डायरेक्ट लेह लद्दाख में मिलेगा। कहीं से रिफ़िल करवा लेते हैं। एड शूट चल रहा था पीछे, तो पता है कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है? सुजुकी की जिम्मी थार को पूरी टक्कर मिलने वाली है। उन्होंने पूरा रैप कर दिया था। तो ये जो टांडी का है ना, तो यहाँ पर पेट्रोल रिफ़िल करवा रहे हैं, पूरा फुल ही करवा रहे हैं, बिकॉज आगे शिंकुला कल जाना है, तो आगे तो कहीं मिलेगा नहीं। ये वाली धूप ना यार, ना तो चुभती है क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, तो इसका कुछ पता भी नहीं चल रहा, होना ना होना धूप का एक ही बराबर है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक तो वैसे ही स्नो है, देखो हर जगह पे स्नो है। और वो देखो वो लिखा हुआ है ना नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन, पहले वहाँ पे लिखा हुआ 365 किलोमीटर्स ए हेड, अब उन्होंने वो 365 मिटा दिया, बिकॉज नया पेट्रोल पम्प उन्होंने ना केलोंग के आसपास कहीं एक इनॉग्रेट किया है, तो शायद तभी इन्होंने, वरना ये माइलस्टोन होता था जब भी लेह लद्दाख जाते थे। वैसे हम पहुंच चुके हैं केलोंग, एक छोटा सा ही विलेज है। तो ये टांडी से है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता डिस्टेंस है इसका, और छोटी सी मार्केट है इसकी, मतलब राइट साइड पे मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड पे मार्केट है। और सामने का व्यू देखो यार, चेकआउट करो कितना बढ़िया। देखो जितने भी स्नो है ना सब रोड साइड पर है, साइड पर की हुई है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर यहाँ पर ना आपको मैकेनिक मिल जाएगा, अगर बाई चांस अगर आपको कुछ भी होता है ना, कुछ ब्रेकडाउन होता है बाइक कार, तो आपको यहाँ पे मैकेनिक की फैसिलिटी भी मिल जाएगी बहुत आराम से। तो यहाँ से जिस पे है अराउंड 25 से 30 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है पर इतने किलोमीटर होगा। यहाँ से तकरीबन लग जाएगा अराउंड आधा का घंटा लग जाएगा जिस्पा के लिए। पूरे के पूरे माउंटेन्स ना स्नो कैप माउंटेन्स हैं। छोटी सी बैरिकेडिंग है, ये पहले नहीं थी तो ये अभी है, बिकॉज विंटर्स के टाइम पे 4x4 ही कार अलाउड होती है। कहाँ तक जा रहे हैं? जिस्पा तक जा रहे हैं। जिस्पा तक जा रहे हैं। क्या नाम है सर? लोकेश। लोकेश, हाँ जी। कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं, मतलब मेरे को बुला के 3। 2+1 ठीक है। जिस्पा तक जा रहे हैं सर। एक बात है, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अभी ये यहाँ पर 8 बंदे हैं, ठीक है? इनको हमने बोला सुबह की दारचा तक, ठीक है? और ये गए आगे कहाँ तक, ठीक है? और वहाँ पर गाड़ी खराब हो गई इनकी। ये शिंकुला जाके आए? शिंकुला जाकर आए। अच्छा, ठीक है। ये तो शुक्र करो ये गाड़ी मिली इनको, ठीक है? वहाँ से कई लोग हो गए, ठीक है? ये मिल गई। तो अपना मतलब जिस्पा से चलती है कोई टैक्सी टुक्सी चलती है? ये आते सर वहाँ से ना, जास्कर से। अच्छा अच्छा, जास्कर से आते, ठीक है। बाय द वे अगर कभी लक ठीक रहा, ठीक है? अदरवाइज ना वहाँ नेटवर्क है ना कुछ है, वहाँ तो कुछ नहीं, ठीक है? अगर ऐसे रह गए रात को 4 या 5 बजे के बाद, 2 घंटे में तो बंदे ने खत्म हो जाना, ये तो है, ठीक है? और अभी क्या बोलते हैं कि हम लोग बोला वहाँ से जाकर 11 बजे इनकी एंट्री हुई दारचा तक के लिए। आप लोगों ने जिस्पा तक जाना है, ठीक है? ओके, वैसे शिंकुला जाने दे रहे हैं सर? मैं वही बता रहा हूँ, हाँ जी। दारचा तक अलाव है, वहाँ से आगे अलाव नहीं है। अच्छा, इसीलिए हम यही बताते हैं कि दारचा तक जाओ, वहाँ से आगे जाने की रिस्क मत लेना। गाइस वी हैव गॉट सम ट्रैफिक जैम, ऑसम ट्रैफिक जैम। मतलब अगर इस रूट पे आ रहे हैं और बेड़े ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितनी ज़्यादा है, पाउस भी है, और एक छोटा सा वाटरफॉल देख लो साइड पर पूरा जमा हुआ है। मतलब रात को इतना गंदा भयंकर कोहरा पड़ता होगा सर। अगर आपको यहाँ पे रात को छोड़ दिया जाए, हाँ, तो फिर रह लोगे, सरवाइव कर लोगे? भैया सरवाइव करना मुश्किल है, बाहर तो निकलते ही पूरा जम रहा बंदा। भैया देखो ऐसा इस ठंड में तो बिना सर फिर क्यों आते हो सर? फिर ऐसी जगहों पे क्यों आते हो? क्या मिलता है ऐसी जगहों पे आके? ऐसी जगह में मिलता है हील होता है, मेरा हार्ट हील होता है सर। फिर आप बोलते हो कि मैं मनाली आया था अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने, फिर यहाँ आके पता चला कि मेरी तो फिजिकल हेल्थ की भी लगी पड़ी है सर। अभी जस्ट रास्ते में ज़्यादा है जिस्पा के, और बीच में हमको ये चीज़ मिली है। देखो कैसे कितने ज़्यादा पूरे के पूरे नोकीले हैं और पूरे जम चुके हैं। ये हमको पूरा लेह लद्दाख के रास्ते तक यही ऐसा कुछ ही मिलेगा, पूरा का पूरा। तो ये लेह लद्दाख तक ही सारे आपको ना जितने भी वाटरफॉल छोटे छोटे हैं ना, ये सारे ऐसे क्या होता है ना, ये जैसे बूंदें गिर रही हैं ना, तो रात को तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में होता है, तो उसकी वजह से इतना बड़े लंबे लंबे ना ये स्नो के क्या बोल सकते हैं इनको, स्नो स्टिक्स स्नो स्टिक्स बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरा ले के हाईवे तक मिलेगा ही मिलेगा भाई जी। और कैप लगानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर ही बैठते हैं, कोजी है गाड़ी में, ठीक है? और यहाँ से जिस्पा रह गया अब 6 या 7 किलोमीटर रह गया। फाइनली हम पहुँच गए जिस्पा, और ठंड इतनी ज़्यादा सूखी ठंड है ना, 8 डिग्री बाहर है। और एक ये हमको एक गेस्ट हाउस सा मिला, अब देखते हैं अंदर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवेलेबल है कि नहीं है। वैसे वहाँ तो बोर्ड तो लगा था, वैसे जितने भी कैंप्स हैं ना जिस्पा में वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, बस उनका रैक रह गया, बिकॉज ऑफ सीज़न में आए हैं हम, तो गेस्ट हाउस ही मिलेंगे हमको ज़्यादा से ज़्यादा, और होटल। तो अभी अंदर जाके पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है गेस्ट हाउस का। चलो जी, अवेलेबल तो है, आप देखते हैं ऊपर जाके, क्योंकि अगर आप इस सीज़न में आ रहे हो ना, तो अगर कैंप्स का सोच के आ रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है, अपना कैंप लेकर आओ अगर कैंपिंग का बहुत ज़्यादा कीड़ा है तो। ठीक है, तो ये वाला एक रूम है, और साथ में देखो सड़क साथ में ही है, वो वाली मेन रोड है, ये वाली मेन रोड है, ठीक है? वाह जी वाह, ऑसम। ये वाली मेन रोड है, ये ले हाईवे जा रहा है, और साथ में जैसे हिमालयन होम स्टे, ठीक है? पूछ लेते हैं फिर इसका ना प्राइस वाइस का क्या है। हमने ये वाला गेस्ट हाउस फाइनल कर लिया। वैसे आगे तक देखा था, आगे तो पूरी कैंपिंग है, तो कैंपिंग सितंबर में बंद हो जाती है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है, -16 जाता है यहाँ पे रात को। तो होम स्टेज़ या फिर होटल का ही ऑप्शन बचता है। तो हमको एक रूम जो मैंने आपको दिखाया था वो 1500 रुपीज़ का पड़ा है और खाने पीने का भी मिल जाता है। तो कल हम निकलेंगे यहाँ पे शिंकुला के लिए। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। शिंकुला में बहुत भयंकर वाली बर्फ़ है वहाँ पर, तो एक्चुअल में वो पास है शिंकुला पास और उसके बाद जाता है गोम्बोरन जोन, ये वाली जिस्पा। हो कहीं पे भी देख लो, बस कहीं पे भी देख लो, ये वो जगह आ गई है जहाँ पे सिनिक व्यूज़ हैं ऑल 360 में। अब मेन टास्क पता क्या है, इसमें से सामान लेके ऊपर लेके जाना और फिर वापस लेके जाना। बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सामान है किसका, सबसे ज़्यादा सामान है इनका, सबसे ज़्यादा सामान है भाई साहब का जो कि इनकी रेल बनने वाली। क्योंकि मेरे पास ना बड़ा बैग था, छोटा बैग था नहीं। मैं सोचा कि चलो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए आपके पास, कम नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी से ही आना था। वो कौन सा हमने कहीं बाइक पे रखना था। तो भाई खाना खा रहे हैं हम 5 बजे, लंच कर रहे हैं हम 5 बजे, जो 2-2:30 बजे करना था। चलो ठीक है, फिर दाल सही है, 1 नंबर दाल है और 1 चावल। तो ऐसा सोबर सिंपल से ही आपको खाना मिलने वाला है गेस्ट हाउस में या फिर होटल्स में। कोई फैंसी खाना ही मिलेगा, मैक्सिमम दाल ही मिलेगी आपको। चलो फिर खाना खाते हैं। चेंज कर लिया और लंच भी कर दिया। बहुत ही सिंपल सोबर लंच था, मज़ा आ गया, जैसा हमको चाहिए था ना। और मेरे को बहुत लाइट सा भी लंच करना था तो वैसे ही किया। अब रात को भी हम लाइट सा ही खाने वाले हैं बिकॉज चिकन नहीं खाएंगे। और ये वाले पूरे एरिया में सनलाइट जा चुकी है, बस रह चुकी है, तो बस ऊपर पासेस पे ऊपर चोटियों पर रह गई है और एकदम बर्निंग माउंटेन्स की तरह लग रहा है। और जिस्पा में ट्रैवलर्स और टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं बिकॉज़ आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है। जिसने शिंकुला भी जाना होता है ना, वो भी डायरेक्ट मनाली से शिंकुला से फिर डायरेक्ट मनाली जाता है। जिस्पा में नहीं रुकते हैं बिकॉज़ जिस्पा में यार मनाली और जिस्पा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेदर का। ठंड दोनों जगह है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठंड है। अभी जा रहे हैं, कुछ भैया ने बोला यहाँ पे ना कुछ ऑफ रोड का है, गाड़ी लेके जा सकते हैं। हम देखते हैं, अगर वहाँ पे मिल गया ना, स्नो मिल गई तो गाड़ी को टेस्ट वहाँ पे भी कर सकते हैं। निकल रहे हैं ऑफ रोड के लिए। यहाँ पे सोचें, यहाँ पे एक्सेस करते हैं इस चीज़ को ना। ये देखिए, वैसे ये बना हुआ था, ये ना इधर कुछ निकल जाते हैं, ये तो नहीं है भैया। चलो बैक कर लो भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हमको बर्फ़ ही मिल रही है। तो ये सर ने फर्स्ट टाइम स्नो देखी है जिस्पा में, तो ये कह रहे हैं यार आगे तक जाना है जहाँ पे पानी का फ्लो है ना, वहाँ तक। और पानी वो वाली साइड पे पानी का फ्लो तो नज़दीक है, थोड़ा दूर है बिकॉज यहाँ पे ना सारी स्नो ही स्नो है। देखो सनसेट हो चुका है, वादियाँ ऐसी दिख रही हैं रात को, पूरी की पूरी बर्फ़ चमकने वाली है। ध्रुव तारा भी आ चुका है, वो रहा टॉप पे छोटा सा। ध्रुव तारा प्लैनेट होता है कोई, वीनस। हाँ जो आवाज़ आती है ना कच कच, ये एक्चुअली ब्लैक आइस नहीं होती, यहाँ पे आप आराम से इसमें फिसलोगे नहीं आप, तो ये धस जाती है। ब्लैक आइस है भाई साहब, जैसे वो फ्रिज में आइस क्यूब्स बनते हैं ना, वो वैसी जी होती है। हाँ, कितना खतरनाक सा व्यू लग रहा है कि कहाँ को जा रहे हैं। और अभी टाइम कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ, मेरे को लग रहा है अब 5:30 ही हुए हैं। 8 बजे तक हम डेड होने हैं, सो गए होने हम तो। चलो चलते हैं यहाँ से बिकॉज पाला भी पहना शुरू हो जाएगा। -5 तो तब था जब पहुँचे थे, तो -7 तक तो हो गया होगा, -16 तक रात को जाएगा, 2-3 बजे तक। फिर यहाँ से जल्दी से रैपअप करते हैं, निकलते हैं, होटल में मिलते हैं आपको। गैस भैया बैक फ्रॉम स्नो वॉक, उसके बाद हमने पावर नैप लिया आधे घंटे का। तुमने लिया था भाई? किसी ने नहीं भैया। तुमने लिया? मैं तो सो गया था, बॉडी थोड़ी शट डाउन सी हो रही थी और आंखें भी ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जब मैं उठा तो भी इनका तो पूरा स्नैक्स चल रहे थे और अभी थोड़ी देर में डिनर की तैयारी है। अब यहाँ पे हमको ऐसा बताया गया है कि पानी की बाल्टी भी भर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, रात को -16 तक जाएगा तो जो जितनी भी एक्सटर्नल पाइप्स है, वाटर पाइप्स हैं, उनमें सारा पानी फ्रीज़ हो जाएगा, तो सुबह हमको फिर पानी नहीं मिलेगा। तो अभी गर्म पानी आ रहा है, तो अभी हमने बाल्टी भर ली है। एंड बल्दी गिरने की जी। और कोई फिर आज का दिन कैसा रहा? अरे भैया बस, आज का दिन बढ़िया था, बट अभी थोड़ा सा ज़रा ठंड बहुत ज़्यादा है। इस बंदे को हमने सब कुछ ही घुमा दिया है। सिसु वाटरफॉल फर्स्ट टाइम हमने दूर से देखा था, इस बंदे ने पूरा हाथ लगा कर आया सिसु वाटरफॉल। मगर ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग लंबा कर ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कुछ भी अच्छा लगा होगा यू नो द ड्रिल, लाइक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके ये वाली आईडी पे फॉलो कर लो। बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है बिकॉज शिंकुला जा रहे हैं और शिंकुला पास मतलब कि फुल स्नो ही व्लॉग होने वाला है। स्नोफॉल मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बाकी सीयू सू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस।